स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। राहुल भट्ट की मौत को एक सियासी रंग दिया जा रहा है और इसी को लेकर आज कश्मीरी पंडित यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको शुरू से बताता हूं, राहुल भट्ट की जब निर्मम हत्या की गई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कश्मीरी पंडितों से मिलने के लिए गए और उनको कश्मीरी पंडितों ने खरी खोटी सुनाई, उनको विरोध झेलना पड़ा। उसके बाद उनको एहसास हुआ कहीं तो गलती हो रही है, वो कश्मीर चले गए। उन लोगों में ये एहसास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, शायद काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब इसमें आ जाते हैं, वो कहते हैं कि द कश्मीर फाइल्स जो एक फिल्म आई थी वो फिल्म जो है झूठ पे बेस्ड है, झूठ है। उसका कारण क्या है, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए लेकिन उन्होंने कहा कि जो सीन उसमें था जिसमें चावल, खून से सने हुए चावल एक मुस्लिम खाता है, ये हमारे लोग कर ही नहीं सकते, ये हम कर ही नहीं सकते। अब सवाल यहाँ पे ये था कि फारूक अब्दुल्ला साहब अपना मैच किसके साथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो चावल खून से सने हुए ये हम लोग नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वर्ड ये थे। तो वो क्या टेररिस्ट को अपने साथ मिला रहे हैं, उन्होंने हम का इस्तेमाल क्यों किया यहाँ पे, ये भी सवाल है। और उसके बाद कहा कि द कश्मीर फाइल्स जो है वो हिंदू मुसलमान में नफरत फैला रही है, इस पर इन कश्मीरी पंडितों को गुस्सा है और आज विरोध कर रहे हैं। कुछ और सवाल भी हैं मेरे, इसके अलावा कुछ और सवाल भी हैं, वो भी मैं आपसे आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन जो कश्मीरी पंडित यहाँ पे हैं जिन्होंने आज विरोध प्रदर्शन किया है और इनका कहने का मकसद ये है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि राहुल भट्ट की मौत को सियासी रंग मत दो, अपने लिए इस्तेमाल मत करो, कोशिश करो कोई और राहुल भट्ट इसका शिकार ना हो। कुछ लोग हैं साहब, आपका नाम क्या भाजी? मेरा नाम प्यारेलाल पंडित है सर। क्यों आज विरोध कर रहे हो आप? ये जो कल बेतुका बयान दिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, उसके खिलाफ में हम यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, ही इज द फाउंडर मेंबर ऑफ JKLF, और जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो भी 30 साल से खून रेजी हो रही है उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं NC और PDP है, जिन्होंने हमेशा टेररिस्ट जो है पाकिस्तान सुपांड से टेररिस्ट जो है उनको शाही दी है। इस जो भी कत्लगारत यहाँ पे हो रही है J&K में, जो भी टेररिस्ट कर रहे हैं ये इनको शाही मिली है जब NC की हुकूमत थी, जब PDP की हुकूमत थी। PDP की हुकूमत में इसको रुबिया सईद को छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद 5 जो हार्डकोर मिलिटेंट थे उनको रिलीज किया जाता है। इस पे गुस्सा है आपको? अपने इस पे हमें गुस्सा है, विरोध है, क्योंकि ये जो दुगली राजनीति है NC PDP जो है दुगली राजनीति चला रहे, ये कहीं ना कहीं इसको बंद करे और आम पब्लिक के हित में सोचे। क्या कश्मीर फाइल्स का झूठी है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पता नहीं है कि क्या हुआ था, वो भाग गया था उस टाइम लंदन में जब कश्मीर जल रहा था, तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहा था वो लंदन भाग गया था, आज यहाँ पे J&K में वो आकर के सियासी रोटियां सेक रहा है अपनी, उसकी हिम्मत कैसी हुई है कि ये बोलने की कश्मीरी फाइल जो है वो झूठी फिल्म है? ये खाली 5% दिखाया गया है इस फिल्म में, जब हकीकत इससे कहीं और ज्यादा है। हम खंडन करते हैं फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को और फारूक अब्दुल्ला अपनी सियासी रोटियां सेकना बंद कर दे। फारूक अब्दुल्ला ही जिम्मेवार है जो J&K में अभी तक कत्लगारत हो रही है, टेररिस्ट को शाही दे रहे ये PDP और NC। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम है पिंटू जी। पिंटू जी क्या कहना चाहते हो कि आज आपने विरोध किया? देखो आप को ये पता होना चाहिए जो भी हाल में जो दो चार पार्टियां कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नर साहब से मिले तो उन्होंने ये कहा कि कश्मीर फाइल्स को जो विवेक अग्निहोत्री ने बनाया और उसको दिखाया उसकी वजह से कम्युनल हारमोनी हो गई। मैं आपके माध्यम से फारूक अब्दुल्ला साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर उसी दौरान कत्लेआम शुरू हो गया तो उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने ही वहाँ पर छोड़ दिया और खुद लंदन चले गए। नंबर एक मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर थे, चाहे महबूबा जी थी चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उस दौरान उन्होंने कितने मिलिटेंटों को छोड़ दिया, जेलों में छोड़ दिया, कितने ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाई, पुलिस वालों पर लगाम लगाई कि इनको PSC मत लगा, इनको मिलिटेंट एक्टिविटीज में लगा, टाडा मत लगा, उनको मिलिटेंटों को किस तरह इनडायरेक्टली उन्होंने सपोर्ट किया। इसीलिए यही कारण है कि आज मिलिटेंसी जिंदा है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से
अभी मिलिटेंसी जिंदा है। एब्सोल्युटली। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम है तेज कृष्णधर टीकेधर। मैं दर साहब आपसे सवाल मेरा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। सवाल ये है जो राहुल भट्ट के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, क्या आपको लगता है सरकार को ये एश्योरेंस देनी चाहिए आपको? अगर वो ये एश्योरेंस नहीं दे सकते, अगर वो आपसे ये वादा नहीं कर सकते कि राहुल भट्ट के साथ जो हुआ वो आगे किसी कश्मीरी पंडित के साथ नहीं होगा, तो सभी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से वापस बुला लेना चाहिए। या तो एश्योरेंस दें, पूरी सुरक्षा दें, अगर कोई होता है तो उसकी जिम्मेदार फिर गवर्नमेंट होगी। आपको लगता है कि ये एश्योरेंस मिलनी चाहिए या फिर कश्मीरी पंडितों को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? एक बात मैं जरूर कहें, जैसे आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह बोल दिया कि इसका जिम्मेवार कश्मीरी फाइल है, इस चीज के हम कंडम करते हैं। इट इज ऑनली द नेशनल गवर्नमेंट हेडेड बाय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हु हैज हेल्पड दिस कम्युनिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल टू बैड अ लाइफ ऑफ परपेचुअल प्रोपगेसी डिबॉचरी एंड डिपार्टी बिकॉज वी आर इंडियंस फर्स्ट इंडियंस लास्ट। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब राहुल भट्ट की आज कल कल कत्ल हुआ था और वो भी तहसील में और डीसी के सामने, एसएसपी के सामने, मैं कह रहा हूं उस डीसी और उस डीसी उस एसपी को उस मुतल करना चाहिए, उनके होते हुए एक पिक एंड चूज राहुल भट्ट के सीधे गए और उसको गोली मार दी गई। क्या ये चाल नहीं है उनकी? ये जरूर चाल है। कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूं एवरी कश्मीरी मोमडन इज अ मिलिटेंट, बट दिस द सेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स हु हैव क्रिएटेड द मिलिटेंसी एंड हु हैव गॉट थ्रोन अस आउट। कश्मीरी पंडित को भगा दिया गया। इट इज ऑनली द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल पीडीपी एंड कांग्रेस ऑल्सो। मैं इतना कहना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने गवर्नमेंट से, मैं इलेक्शन इंचार्ज हूं इसको भारतीय जनता पार्टी का, कश्मीरी पंडितों का। मैं ये कहना चाहता हूं अपनी सरकार से, यदि इनको फांसी ना लगे, यदि अगर इस राहुल भट्ट जैसे को और कुछ मारेगा या किसी और को मारा जाएगा, मैं कहता हूं ये फिर गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं इस आपके माध्यम से, मैं अपने कश्मीरी पंडित भाइयों से अपील करना चाहता हूं, और सब लोग इधर आओ, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। भारत माता के जय जय करने वालों को घर से बेघर कर दिया, लेकिन मैं इतना आश्वासन देता हूं अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र जी मोदी कोई नहीं मरेगा, सब कुछ ठीक होगा। वी मस्ट सपोर्ट। ये क्या जलाया गया? ये क्या है? वोटर लिस्ट किसकी है? ये आप लोगों ने इसको जला दिया आज, वोटर लिस्ट को जला दिया, क्यों? किस काम के लिए? जिस आतंकवादी ने मुझे वहाँ से निकाला उसी को मैंने वोट डालना है? वो मेरे लिए क्या काम करते हैं? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड कहाँ गया? मेरे अधिकार कहाँ गए? मेरा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? मुझे ये चीज किस लिए जरूरत है? शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। ये विरोध प्रदर्शन ना हो, कोई राहुल भट्ट और इस निर्मम हत्या का शिकार ना हो, इसके लिए प्रशासन को, सरकार को, भारत सरकार को कश्मीरी पंडितों को एक एश्योरेंस देना चाहिए। अगर आप वो एश्योरेंस नहीं दे सकते, अगर आपको रत्ती भर भी शक है कि राहुल भट्ट की जिस तरह से हत्या की गई, ये हत्याओं का सिलसिला आगे भी चलेगा, तो जनाब आपको कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रखने का कोई अधिकार नहीं है। आप उनको वापस बुला लीजिए या फिर आप ये श्योर कीजिए, आप पूरी सुरक्षा दीजिए, जो राहुल भट्ट के साथ हुआ वो अब किसी और के साथ नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि तब आप जाकर कहीं ये कह सकते हो कि कश्मीरी पंडितों को हम कश्मीर में रिहैब करेंगे। हर 15 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद, हर 20 दिन के बाद अगर किसी को अपनी बलि देनी है, किसी को अपनी जान वहां गंवानी है, इस कीमत पर अगर आप रिहाब कश्मीरी पंडित का कश्मीर में करेंगे, तो मुझे लगता है कि यह गलत होगा, नामंजूर होगा। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।